गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए मार्केट के अंदर हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं। क्विकली हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि जिस दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम आना होता ना तो वहाँ पर हम लेट हो जाते हैं, और जिस दिन नहीं आना होता उस दिन हम पहले ही मार्केट के अंदर बैठ जाते हैं। तो यही समस्या होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी हमें काम करने का मौका मार्केट के अंदर मिल जाएगा। और थोड़े बहुत ग्रीन कैंडल तो बना रहे हैं लेकिन ओवरऑल मार्केट में पुट साइड का ट्रेड काम करेगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, निफ्टी का 800 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। तो अभी अपना 2000 4000 के अराउंड मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट चल रहा है। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने पोजीशन क्यों बनाया। देखिए पोजीशन हमें ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग मिला, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलिंग आ रहा है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता तब थोड़ा सा हमें मार्केट को समझना पड़ता है कि मार्केट कहीं ऊपर ना चला जाए, या थोड़ा बहुत हमें परेशान कर सकता था मार्केट, और जो हमारा एंट्री होता उसको काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हमें बनाना पड़ता, एक सही एंट्री हमारा एक टारगेट बना के देता। लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसे मार्केट के अंदर प्लान बना रहे थे कि बेसिक आइडिया यहीं से लग रहा है कि ये जो जोन है मार्केट के अंदर वोलाटाइल रहने वाला है। तो अगर वोलाटाइल रहेगा तो ऊपर से मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाएगा, नीचे से थोड़ा बहुत बाइंग आकर सेलिंग आएगा। तो अगर बाइंग आकर सेलिंग आता है तो हमारा जो एंट्री होगा वो सही होना चाहिए अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन अगर मार्केट में हमें गैप अप मिलता है, गैप अप सॉरी, यहाँ पर अगर मार्केट में जो गैप डाउन ओपन होगा वो आसपास ओपनिंग देता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मार्केट में क्या कर दिया, फ्लैट ओपनिंग दे दिया। तो फ्लैट ओपनिंग होते ही मार्केट में सेलिंग आना शुरू हो गया। अगर ये यहाँ के ओपन होता तो छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाकर फिर से नीचे आ जाता। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होता तो फिर ग्रीन कैंडल बनाता थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हमें ऐसा मोमेंटम जहाँ पे नजर आता कि टारगेट मिल सकता उसके बाद हम एंट्री ले सकते थे। तो ऐसा मार्केट के अंदर हमें प्लान बनाने की आवश्यकता थी। तो अभी अपना 7000 5000 के अराउंड प्रॉफिट नजर आ रहा है। और पोजिशन हमने क्यों बनाया, क्योंकि देखिए अगर आप कल का चार्ट देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग किया। ठीक है, यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया, यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया, यहाँ पे, और अगर कोई ऊपर भी सेलिंग करके बैठा होगा तो इस प्रकार के मोमेंटम के बाद वो निकल गया होगा। जैसे मार्केट के अंदर ये अपसाइड का मोमेंटम आया होता तो मार्केट में डायरेक्ट एसएल वगैरह तो यहाँ पे अवेलेबल थे नहीं। अब देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम मार्केट ने किया, इस प्रकार के जोन के कारण मार्केट वोलाटाइल हो जाता है। तो वोलाटाइल के कारण अपना सिंपल सा ये प्लान बन रहा था कि मार्केट ऊपर मिलेगा तो नेगेटिव ट्रेड ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो जाता है फिर थोड़ा बहुत मार्केट प्रॉब्लम कर सकता है कि फिर मे बी सेलिंग करने का मौका तो मिले लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जाना मार्केट के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये भी अपना प्रॉफिट 27000 के अराउंड चल रहा है, और अगर हम एंट्री मिस नहीं करते थोड़ा बैंक निफ्टी में अच्छा एंट्री बनाया जा सकता था। ज़्यादा तो मोमेंटम मिस नहीं किया क्योंकि फर्स्ट कैंडल में तो हम एंट्री नहीं ले पाते क्योंकि ये तो एक ही कैंडल बनाया मार्केट। लेकिन ये रिट्रेसमेंट हो गया, ऐसी कैंडल के बाद हम एंट्री ले सकते थे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट और एक्स्ट्रा हमें नजर आ जाता, ऑलमोस्ट हम कह सकते हो 50000 के आसपास हम चले जाते। अभी भी हमें टारगेट मिल सकता है क्योंकि हमारे पास ये जोन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इस जोन के बाद मे बी मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट करे या फिर अपसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश करे, वो एक अलग कहानी रहेगी। लेकिन अभी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट रखने वाले, कोशिश तो यही कि अपना 80000 के ऊपर जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में निकाल देंगे, और लॉस तो वैसे तो कम ही रखना चाहिए लेकिन अभी हम 80000 के आसपास ही रख लेते हैं क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी कारण मार्केट काफ़ी बार साइडवेज हो जाता है। और ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है। तो जस्ट वेट करेंगे निफ्टी 500 का ब्रेकडाउन हो जाए और बैंक निफ्टी में इस लेवल तक पहुंच जाए तब तक हमारी बात बन जाएगी और मार्केट के अंदर मोमेंटम कैप्चर करके निकल जाएंगे। तो अभी अच्छा टारगेट हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। अब तो लॉस तो क्या लेंगे क्योंकि 80000 टारगेट है, हम 60000 देख चुके हैं तो लॉस तो अब नहीं लेने वाले। हाँ, प्रॉफिट कितना लेना है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रॉफिट अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम बढ़ा देंगे, अगर कम होने की कोशिश करेगा तो मिनिमम जो अपना टारगेट डिसाइड करके आते हैं मार्केट के अंदर वो लेके निकल जाएंगे। लेकिन अब मार्केट के अंदर एक भी रुपये का लॉस हम नहीं लेने वाले, तो आराम से देखते रहते हैं मार्केट में। इजी ट्रेड मिल गया, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता ना तब सेलर को थोड़ा सोचना पड़ता है कि कहाँ पे वो ट्रेड करें या ना करें क्योंकि मोमेंटम ये भी अच्छा था। तो बाय चांस अगर मार्केट में अचानक से गैप डाउन ओपन हो जाता है और रिकवरी अगर कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो रिकवरी करने के लिए जा रहा है लेकिन वो बायर को काफ़ी बार होप देने के लिए चला जाता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ ताकि बायर अपने अचानक से पोजिशन काट के ना चला जाए। क्योंकि क्या होता है कि अगर मार्केट को नीचे गिरना होता है तो बायर को ऐसा लगना चाहिए कि मार्केट गिर नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर उसे ये दिखाना है कि मार्केट गिर नहीं रहा है ऊपर जा रहा है
उसे एवरेजिंग करवाना है, तो पहले वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे करके वो धीरे धीरे लेके नीचे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी पर्टिकुलर ट्रेड हमें बनाना पड़ता है सेलिंग का। अगर मार्केट में हमें गैपअप मिल गया, सॉरी गैपअप बार बार निकल रहा है, अगर हमें फ्लैट ओपनिंग हो गया या छोटा मोटा जब गैप डाउन ओपन होता है, तो वो हमारे लिए बेटर था इस प्रकार के मोमेंटम में। ये मैंने आपको समझाया बेटा ओवरऑल। तो ठीक है, मार्केट में अपना 51,000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है और वेट करेंगे यहाँ पे, अभी अपना 26,000 के अराउंड प्रॉफिट चला है। तो चलिए यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन को मार्केट में काटना पड़ेगा, क्योंकि समस्या हो जाएगा। मार्केट देखिए, प्रॉफिट तो हमें नज़र आया, लेकिन अब प्रॉफिट ज़्यादा ही कम करा है और ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास जा चुके थे, 60,000 से ऊपर चला गया था मार्केट। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, तो अब ये ट्रेड तो काम नहीं करेगा। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाइंग साइड का ट्रेड लेना पड़ेगा। उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसे सपोर्ट ले लेगा मार्केट, लेकिन इसने ले लिया, तो फिर क्या करें, और प्रॉफिट भी कम करा है। तो यहाँ पे हम लॉस तो लेके नहीं जा सकते मार्केट के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा देख चुके थे। अगर 10-20,000 रुपये देखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम मार्केट में वेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम 60,000 से ऊपर चले गए थे और 80,000 के आसपास अपना टारगेट था, और मार्केट सपोर्ट वगैरह भी एग्जैक्टली ले रहा है, तो यहाँ पे रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। हम यहाँ पे कुछ कॉल साइड का मार्केट के अंदर पोजिशन बनाएंगे। निफ्टी ज़बरदस्त अपसाइड का मोमेंटम करा है, रेड कैंडल बनेगा तो कोई बेनिफिट नहीं, ग्रीन कैंडल चाहिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूशन का, तभी हम यहाँ पे बाइंग में काम करेंगे। ठीक है, ऐसे रेड कैंडल बनेगा तो फिर कोई बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे, फिर तो ये सेलिंग में दोबारा से आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे वेट करते हैं। चलिए, कुछ समय पुट में प्रॉफिट मिल जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन मैं वेट ही कर रहा था, ये 2-3 कैंडल में मार्केट ने पूरा प्रॉफिट कम कर दिया। एक्सपायरी का दिन ऐसा ही होता है। 900 क्वांटिटी को यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड पोजीशन बनाएंगे, 900 क्वांटिटी को यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 1,000 के अराउंड लॉस प्रॉफिट चल रहा है, तो प्रॉफिट वही रहने वाला है, लॉस भी वही रहने वाला है 80,000 के आसपास। अगर नीचे गिरेगा तो 80,000 है, ऊपर जाएगा तब भी 80,000, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो मिनिमम इस लेवल का ब्रेकआउट वगैरह करेगा, फिर और भी ऊपर जाने वाला है मार्केट, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट तो देखने को मिलना चाहिए। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तब ऐसी कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अदरवाइज मार्केट के अंदर अगर अपसाइड का मोमेंटम आता है, आराम से हमें प्रॉफिट हो जाएगा काफ़ी अच्छा। और मार्केट ने सपोर्ट वगैरह भी एग्जैक्टली ले लिया, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि पुट का हमें काट देना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद अगर लॉस लेंगे मार्केट के अंदर तो वो सही नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब एक छोटा सा कॉल साइड का तो पोजीशन डेफिनेटली बनाया जा सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट वगैरह भी ठीक लिया है, और अगर मार्केट वोलाटाइल भी रहना चाहता है तो मिनिमम इस हाई के आसपास या छोटा मोटा ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर भी निकलेगा, तभी काम चल जाएगा। और निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा कैंडल वगैरह मार्केट बनाने की कोशिश करा और ये ऊपर जाने की कोशिश करा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन हमने कॉल साइड का पोजीशन बना लिया और प्रॉफिट भी हमारा ठीक ठाक चलना शुरू हो चुका है। तो जस्ट यहाँ पे वेट करेंगे। तो देखिए, बात बन जाती पुट में तो तभी बन सकती थी अगर हम थोड़ा सा पहले आ जाते और हमारा एंट्री थोड़ा सा अच्छा हो जाता, 1-2 कैंडल पीछे हो जाता तो बात बन सकती थी, या फिर मार्केट 1-2 कैंडल नीचे निकाल देता। अब मार्केट ने सपोर्ट भी ले लिया और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश करे, तो हम एज ए वोलाटाइल मार्केट एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्टेड करके हम ऐसा ही काम करने वाले हैं। तो जस्ट वेट करेंगे और अभी अपना 15,000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट के अंदर हमें कॉल में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आना शुरू हो चुका है, और मार्केट ने कोई बड़ा अपसाइड का मोमेंटम तो नहीं किया, लेकिन जैसे ही कैंडल निकल रहा है मार्केट के अंदर प्रीमियम काफ़ी अच्छे से बढ़ पा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे वेट ही करें मार्केट के अंदर, उम्मीद तो नहीं था कि ऐसा प्रॉफिट हम बना लेंगे आज के दिन मार्केट के अंदर, और लेकिन बन रहा है तो हम मार्केट के अंदर वेट कर रहे हैं, और 1,54,000 के अराउंड हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, तो जस्ट यहाँ पे वेट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमें पोजीशन काटना पड़ेगा अपना, प्रॉफिट थोड़ा सा मार्केट ने ज़्यादा ही कम कर दिया, और ये तो प्रॉफिट हमें मिल रहा है। अदरवाइज मार्केट ने जिस प्रकार का एक रेड कैंडल बना दिया था, तो ये भी प्रॉफिट कैप्चर करना मार्केट में मुश्किल हो जाता। 93,000 के अराउंड मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट बना पाए, तो मार्केट के अंदर काम तो ऐसा लग रहा था कि इजी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट ने मुश्किल कर दिया जब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया। क्योंकि शुरुआत में तो हमने सेल इसलिए किया था कि मार्केट में यहाँ पर डायरेक्ट एसएल वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे, मार्केट में हमारा ये भी प्लान था कि ये जोन है कहीं ना कहीं वोलाटाइल जोन रहने वाला है, ऊपर से तो मार्केट नीचे आना ही आना है, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा वेट करके सेलिंग करने का मे भी हमें मौका मिले, लेकिन मार्केट के अंदर हमें फ्लैट ओपनिंग मिला तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत होने वाला था भी नहीं। और थोड़ा सा मैं लेट हो गया तो इसलिए हमने एंट्री भी लेट हुआ, तो मार्केट के अंदर यहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट देख चुके थे, ऑलमोस्ट हम 60,000 के ऊपर चले गए थे और 80,000 के आसपास अपना टारगेट था।
तो अब मार्केट से ये उम्मीद करना कि हम लॉस ले लेंगे मार्केट के अंदर, वो तो गलत लग रहा था। लॉस में भी हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बैठे रहते हैं, लेकिन मार्केट ने जहां से हमने सपोर्ट लगा रखा था, एक पॉइंट भी नीचे नहीं गया, उसी के एग्जैक्ट पॉइंट सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा बहुत मुझे रिस्पेक्ट देना पड़ा, अपना ही सपोर्ट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जैसे अपसाइड का मोमेंटम आया, हमारा जो पुट का पोर्शन था उसमें प्रॉफिट जैसे ही कम हुआ, हमने 0-0 में उसको अपने पोर्शन को काट दिया और हमने कॉल साइड का पोर्शन बना लिया। कॉल साइड में वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं बनती ऐसे मार्केट के अंदर, लेकिन जब मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट ले रखा था, निफ्टी के अंदर भी ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम आ रहा था, तो मैं अगर ये भी सोच रहा हूँ कि अगर वोलाटाइल रहने वाला है तब भी मुझे कुछ अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है, इसलिए मैंने अच्छा इन द मनी मार्केट के अंदर ट्रेड बना लिया था। और जैसे ही वो ऊपर जाएगा वो डायरेक्ट प्रीमियम में नजर आएगा प्रॉफिट, तो इसलिए मैंने क्या किया कि सपोर्ट वगैरह देखकर, निफ्टी में अच्छा मोमेंटम देखकर और हमारा पुट का प्रॉफिट मार्केट कम कर रहा था, तीनों कंडीशन को देखकर मैंने एक कॉल साइड का पोजीशन बना लिया, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आया। लेकिन अब मार्केट ने जैसे ही रिजेक्शन दिया अचानक से वो प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि एक्सपायरी का यही रहता है। तो खैर अब आप क्या कर सकते हो, देखिए अगर ये रेड कैंडल वगैरह को दोबारा से क्रॉस कर देता है तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, बाय वगैरह का प्लान बना सकते हो, इसके नीचे नीचे रहे तब तक आप थोड़ा वेट करो या फिर सेल वगैरह का ट्रेड मार्केट के अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी का देखते हैं, ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये थोड़ा सा एक डायरेक्शन मार्केट में मिल जाएगा कि ब्रेकआउट हो गया। जब तक ब्रेकआउट वगैरह नहीं होता मार्केट हमें थोड़ा बहुत परेशानी में डाल सकते हैं, स्पेशली बाइंग में। और अगर आपका टारगेट नजर आ चुका है या फिर मार्केट में आपका प्रॉफिट कम करा है तो डेफिनेटली आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये रेड कैंडल अचानक से बन गया और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इसने कम किया मेरा। तो ओवरऑल मार्केट ने अच्छा काम किया और हमने तो ठीक ठाक काम कर लिया, अच्छा काम इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो काम नहीं किया इसने कुछ ज़्यादा, लेकिन सपोर्ट हमारी ऐसी जगह से ले लिया जिसे हम कॉल साइड का पोजीशन बना पाए, अदरवाइज हमारा यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन नहीं बनता। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मार्केट एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेता है। धन्यवाद।